आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। नई दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज में कई लोगों के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आने के बाद झारखंड सूबे में भी हड़कंप मच गया, जिससे सूबे की उपराजधानी दुमका भी अछूता नहीं रहा था, क्योंकि दुमका के कुम्हारपाड़ा के रहने वाले मोहम्मद फारूक भी उस मरकज में शामिल हुए थे, जिस कारण उन्हें दुकान मेडिकल कॉलेज अस्पताल के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और उनके ब्लड सैंपल को कोरोना जांच के लिए रांची भेजा गया था। रांची से रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद राहत की सांस ली है और 4 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखने के बाद आज उस सेंटर से छुट्टी दे दी है। रिपोर्ट आने के बाद मोहम्मद फारूक ने कहा कि जब मैं यहाँ 4 दिन पहले आया था तो मेरे मन में बहुत सी आशंकाएं थी, परंतु यहाँ रहने के बाद मैं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा ख्याल रखा। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। जो लोग क्वारंटाइन के लिए आए थे सर, वो नेगेटिव निकला या सर पॉजिटिव है? नहीं, दोनों का नेगेटिव है, रिपोर्ट आ गया, अभी नेगेटिव में ही है। हाँ। और अभी कितने पेशेंट है सर यहाँ पे कोरोना के? कोरोना के कोई पेशेंट नहीं है। अच्छा, अभी एक भी नहीं है? नहीं। और व्यवस्था सर यहाँ पे? व्यवस्था है, जो सस्पेक्टेड आएंगे उनको एडमिट करते हैं, जांच के लिए हम लोग भेजेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।